2019 के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान जारी। मध्यप्रदेश में 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 1,19,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले 22 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वहीं देरी से पहुंचने वाले 3 कर्मचारियों की एक एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मतदान से एक दिन पहले रविवार शाम को की गई। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में सड़कों पर उतर गए। उन्होंने लालटेन लेकर पदयात्रा की, साथ ही उन्होंने इस दौरान भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को शैतान बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अंधेरा छाया रहता है, इसलिए वे रात को लालटेन लेकर सड़कों पर उतरे हैं। खंडवा में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। विजय शाह आशापुर में मतदान केंद्र में वोट डालने आए थे। इस दौरान विजय शाह और कांग्रेस नेता बसंत पवार के बीच झड़प हो गई। इस दौरान विजय शाह की पत्नी भावना शाह ने बीच बचाव किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के एक दिन पहले बीजेपी को बड़ा झटका। रायसेन जिले के सांची जनपद अध्यक्ष एस मुनियन ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।